नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप सिर्फ तुलसी के पत्ते से कर सकते हैं किसी का भी वशीकरण। जी हाँ, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे बेइंतहा प्यार करने लग जाए, उसे भी आपसे इतना ज़्यादा प्यार हो जाए कि आपकी हर बात वो माने, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपसे दूर रहता हो या आपके पास रहता हो, आप उसे वश में कर सकते हैं। ये जो वशीकरण विधि है, ये उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा काम करती है जो लोग बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और आप उन्हें कुछ खिला नहीं सकते या आप उन्हें देख नहीं सकते हैं सामने से, तो आपको पता नहीं चलता है कि आप उन्हें कैसे वश में करें। तो इस विधि के द्वारा आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं जो आपसे बहुत दूर रहते हैं। आपको इसके लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है दोस्तों, इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल आपको इसमें करना है और साथ में आप इसमें लेंगे साबुत लौंग। दोस्तों, ये तंत्र शास्त्र के अनुसार मैं आपको विधि बता रही हूँ, ये पूरी तरह से कारगर है और ये अचूक वशीकरण है जो कि अगर आपने एक बार कर दिया तो पूरी तरह से काम करता है। अब इसे करने का तरीका क्या है वो आप ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है और उसके बाद इसे अपनी जबान के नीचे रख लेना है। जबान के नीचे रखने के बाद आपको अपने प्रेमी का नाम बोलना है, जो भी आपके प्रेमी है या प्रेमिका है जिन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं, उनका नाम आपको बोलना है 11 बार। मान लीजिए कि उनका नाम अगर पूजा है तो आपको पूजा 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 ऐसे 11 बार बोलना है। और जो महिलाएं कर रही हैं वो अपने प्रेमी का नाम बोल सकते हैं 11 बार, लेकिन बोलते समय ध्यान रखिएगा तुलसी का पत्ता आपकी जबान के नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक छोटा कागज़ ले लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कागज़ लिया हुआ है। ये तुलसी का पत्ता वापस निकालना है जबान के नीचे से और रख देना है कागज़ पर, और इस पर एक लौंग रख देनी है। लौंग रखने के बाद आपको उस कागज़ को इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से मोड़ना है कि वो पूरी तरह से जो तुलसी का पत्ता है वो उसके अंदर चला जाए, बाहर से दिखाई ना दे। अब आपको इसे अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ में मुट्ठी बंद कर लेनी है और फिर आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे सर्ववशीकरण स्वाहा। जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी प्रेमी या प्रेमिका है जिनका आपने नाम लिया, अब उस नाम के तो पता नहीं कितने लोग हैं जिन तो अब आपको अगला स्टेप क्या करना है कि आप जब इस मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे तब आपको अपने मन में सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसके ऊपर आप ये वशीकरण कर रहे हैं। तो उनका जो चेहरा है वो आपको अपने मन में रखना है और आंखें बंद करके आपको 108 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे सर्ववशीकरण स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि जब आप पूरी श्रद्धा से किसी भी विधि को करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी डलती है आपकी तरफ से, और उस एनर्जी की वजह से ही आपका काम पूरा होता है। तो पूरी श्रद्धा के साथ आपको इस उपाय को करना है, अपने दिमाग में किसी भी तरह का शक या शंका नहीं लानी है। और इसको जब आप कर रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको किसी कोई टोके नहीं, आपको इस तरह से करना है। तो एकांत में बैठ जाएं और उसके बाद ही इस उपाय को करें। 108 बार जब आप इसे कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको अपनी मुट्ठी खोलनी है और उसके अंदर से ये जो तंत्र क्रिया का जो आपने जो बनाई है पुड़िया जो बनाई है, इस पुड़िया को आपको लेके जाना है अपने घर से बाहर। उसी समय आपको बाहर जाना है, इस पुड़िया को आपको कहीं रखना नहीं है, कहीं छुपाना नहीं है, सीधा अपने घर से बाहर लेकर जाएं। और कहीं भी आपको बहता हुआ पानी मिल जाए, चाहे वो नदी हो या नाला हो, बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो पानी बहता हुआ होना चाहिए, एक जगह पर रुका हुआ ना हो, वहाँ पर आपको इस पुड़िया को छोड़ देना है। इस तरह से छोड़ना है और जब आप छोड़ेंगे तो ये बहते हुए आगे चली जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पर इस पुड़िया को छोड़ना है जहाँ पर पानी बह रहा हो, वहाँ पर आपको इसे छोड़कर घर वापस आ जाना है। वापस आने के बाद हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लेने हैं और ये सेम तरीका सेम क्रिया जो है आपको 3 दिन तक करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसीलिए 3 तुलसी के पत्ते लिए हैं और 3 लौंग ली थी, तो आपको इसी तरह से सेम तरीका आपको दूसरे दिन और तीसरे दिन भी करना है।
अगर आप इसे सोमवार के दिन कर रहे हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे आपको 3 दिन तक इसे करना होगा। जब आप इसे 3 दिन तक कर लेंगे तो यकीन मानिए कि जिसके नाम से भी आपने इस क्रिया को किया है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे। वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ जाएंगे जैसे कि 2 जिस्म 1 जान, और आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा। आप इसे उस व्यक्ति पर कर सकते हैं जो कि आपसे बहुत दूर रहते हैं, जो आपसे मिलते नहीं हैं, तो आप उन्हें वश में करने के लिए इस उपाय को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, उस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई बार लोग अपने नंबर छोड़ देते हैं, अपना ईमेल आईडी लिख देते हैं। आपको उन नंबर्स पर कॉल नहीं करना है, वो सब फ्रॉड होते हैं। सिर्फ हमारी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।